गुड इवनिंग फ्रेंड्स, नॉन फ्राइड वर्ब्स का ये चौथा पार्ट है। ये एग्ज़ाम के लिहाज से, जिसमें मैंने पहले भी कहा था, बहुत इम्पोर्टेंट होता है। काफ़ी क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं, और जो लोग अपनी इंग्लिश को वाकई अच्छा करना चाहते हैं तो ये चैप्टर आपको बहुत मदद कर सकता है। पिछले मेरे वीडियो में मैंने आपको बताया, जिस तरह से अपन प्रेजेंट पार्टिसिपल से कोई सेंटेंस शुरू करते हैं तो ये देखना होता है कि उसका संबंध आगे वाले क्लॉज में जो सब्जेक्ट है ना, उसके साथ में वो रिलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ठीक उसी तरह से पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था कि पास्ट पार्टिसिपल का भी ऐसे ही है। उसमें खूब सारे मैंने एग्जाम्पल दिए थे आपको, और वैसे मैंने आपको कहा था कि आज मैं आपको परफेक्ट पार्टिसिपल कराऊँगा, लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया कि बच्चों को कुछ और सेंटेंस दिए जाने चाहिए। कुछ सेंटेंस अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था आपको, कुक्ड इन प्योर घी द डिश टेस्टेड डिवाइन। डिवाइन का मतलब देवी, देविया, बहुत शानदार। अब इसका मतलब क्या हुआ कि प्योर घी में पकाने के बाद, ठीक है ना, आपका गया पकाने से जो डिश थी, जो आपका पकवान था, उसका टेस्ट बड़ा शानदार था। जिसको घी में पकाया गया वो डिश थी। और अगले जो आपका क्लॉज है, द डिश टेस्टेड डिवाइन, ये क्लॉज इसलिए कि डिश सब्जेक्ट है, टेस्ट आपका वर्ब है, और डिवाइन उसका एडजेक्टिव है, ठीक है ना, आपका एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो गया। टेस्ट आपकी एक तरह की, सबको पता है कि ये आपकी कैसी वर्ब है, ये टेस्ट, टेस्ट स्मेल, ये आपकी कैसी वर्ब कहलाती हैं, ध्यान आ रहा आपको, ऐसी सारी वर्ब्स कहलाती हैं वर्ब्स ऑफ परसेप्शन। ठीक इसी से देखिए नीचे वाला, एम्बेरस बाई द सिचुएशन, सिचुएशन से शर्मिंदा होकर, कौन शर्मिंदा हुआ, वो ही, वो व्यक्ति हुआ। तो उसने क्या किया, उसने कई दिनों के लिए अपने आप को कमरे में बंद कर दिया। ठीक है, तो ये मैं आपको चाह रहा था कुछ सेंटेंस मैं आपको और लिखाऊं, और आप भी सेम तरह के सेंटेंस और बनाएं, उनको बोलें। इंग्लिश बहुत आसान है, मैं आपको बार बार बच्चों को कह रहा हूँ, और इंग्लिश का मतलब केवल ये नहीं कि ग्रामर आप सीखें, आपको आपकी नौकरी लगने के तुरंत बाद में आपने ऑफिस में काम करना है, आपको किताबें पढ़नी है, और आपकी पोस्टिंग अगर ऐसी जगह हो गई कि जहां आपका बॉस जो है साउथ इंडिया का है, तो ही विल नॉट स्पीक अ सिंगल वर्ड ऑफ हिंदी। तो इंग्लिश का मतलब ये नहीं कि आपने सेंटेंस कलेक्शन करना है, बाकी कुछ नहीं है, ध्यान रखना आपका। और नौकरी में आप अपने बॉस की गुड बुक्स में रहेंगे, अगर आपका काम अच्छा होगा तो आपको किताबें पढ़नी पड़ेंगी वापस, है ना, वहाँ पर नोटिंग है, वहाँ पर आपका लेटर राइटिंग है, ड्राफ्टिंग है, सब आपको इंग्लिश में करना पड़ेगा, ध्यान रखना। कभी कभी हिंदी में होगा, लेकिन ज़्यादातर काम जो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनेंगे आप लोग, तो सारा काम आपके इंग्लिश में होने वाला है। और इसके अलावा मैंने कहा था कि इंग्लिश ऐसी चीज़ है कि जो आपको अच्छा करेगी तो आपका आउटलुक भी अच्छा बनता है, दृष्टिकोण आपका अच्छा बनता है, फिर आपके बच्चे भी, उनकी भी, बच्चों के भी इंग्लिश भी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, हिंदी तो मैं आती है, इंग्लिश में होशियार होने का अर्थ ये नहीं है कि हम अपनी हिंदी भाषा को पसंद नहीं करते, ये लोगों के, कई लोगों की गलतफहमी हो जाती है। तो आपको ये कह रहा था मैं आपको कि आप खूब सारे सेंटेंस बनाओ, मैं कुछ आपको सेंटेंस देता हूँ, गौर से देखिए आपका। एक लड़के ने, एक लड़का था, उसकी वाइफ तो पढ़ी लिखी थी, लेकिन मेरे ख्याल शायद उसने ज़्यादा पढ़ाई की नहीं है, उसकी दुकान थी अच्छी खासी, अच्छा कमा रहा था, लेकिन लोग उसको ताना मारते थे कि तेरी वाइफ तो MA है और तू तो आपका फर्स्ट ईयर तेने पूरी की नहीं। तो उसकी वाइफ ने उसको बार बार, ठीक है ना, आपका बार बार पिंच किया, गोद का मतलब जैसे हिंदी में होता है ना गोदना, उंगली से, अरे करो करो करो, है मैं पढ़ा दूंगी तुमको, इस पर टाइम है और पास हो जाओगे आराम से, डिग्री तो लेनी है और क्या करना है आपने, कौन सा आपने कॉलेज में लेक्चरर बनना है। तो गोडेड बाई हिज वाइफ, ठीक है ना आपका, द सेड ही नॉट ओनली पास्ड हिज ग्रेजुएशन बट also completed his PG. Post graduation उसने पूरी कर ली, और लोगों ने फिर उसको ताना माना बंद कर दिया। अच्छा सुनने देखो आप, पोस्ट ग्रेजुएशन को हाइफनेट रख दो आप, है ना, और इसका मीनिंग समझ गया आपका। तो उसकी वाइफ ने उसको गोदती रही, गोदती रही। गोदना वैसे नेगेटिव एक्शन है, लेकिन इसका असर पॉजिटिव होता है, अगर आप पढ़ते रहे तो माँ आपको गोद करेगी बार बार, पढ़ पढ़ पढ़, ठीक है आपका। दैट साउंड्स वेरी अनोइंग बट द रिजल्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है आपका, दैट्स राइट।
गोड, अभी देखो कहाँ से शुरू हो रहा है, गोडेड से। उसकी वाइफ ने किसको गोड किया, ही को, इसके रिलेशनशिप बननी चाहिए। तो आप लोगों ने खुद ने भी ऐसे, मैं आपको कुछ उदाहरण दे रहा हूँ, मैं तो आपको ऐसे सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूँ, और कभी मेरा मन करे तो मैं इसमें अभी एक दो दूंगा, क्योंकि मेरे मैंने फिर आपको परफेक्ट पार्सिपेट पढ़ाना है, ठीक है ना। आपका आगे लिखिए एक समय ऐसा, आपका अलार्म एट द सिचुएशन, अलार्म का मतलब खतरा, आभास होना, खतरा भांपना, सिचुएशन के खतरे को भांप कर, ठीक है ना आपका, ही आस्क फॉर इमीडिएट हेल्प। तो आप ये आप खुद बना सकते हो, ये सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है आपका, ध्यान रखना आपको, हम बनाते तो नहीं है, जब बनाओगे नहीं सीखो कैसे, बोलो कैसे, अलार्म एट द सिचुएशन ही आस्क फॉर इमीडिएट हेल्प, इसका मतलब सिचुएशन को देखा, उसने खतरा भांपा, अलार्म का खतरा महसूस करना, क्यों अलार्म का मतलब अलार्म बजाना भी होता है, ठीक है ना आपका, लेकिन सिचुएशन से अलार्म होकर, यानी सिचुएशन का खतरा भांप कर, उसने तुरंत हेल्प की मांग की। अलार्म का संबंध ही से हो गया, हु वाज अलार्म एट द सिचुएशन, ही, इसलिए दोनों का संबंध बन रहा है, इसलिए बिल्कुल ठीक है सर ने साहब का। एक आदमी और दे रहा हूँ आपको, उसको देखो आपका, ग्रीव टू नो एंड, ऐसे इंग्लिश अच्छी होती है, बहुत सारी चीज़ें आपके ग्रामर नहीं पढ़ाती हैं, ये तो ग्रामर थोड़ी पढ़ाएगी। ग्रीव टू नो एंड मीन्स उसको बहुत दुख हुआ, शायद उसकी किसी प्रियजन की डेथ हो गई होगी आप, तो ग्रीव टू नो एंड, या उसकी प्रेमिका की होगी होगी शायद डेथ, ग्रीव का मतलब होता है दुख महसूस करना, ग्रीव टू नो नो एंड, और ये ग्रीव जो है किसी और कारण से भी दुखी आदमी हो सकता है, ग्रीव का अर्थ होता है दुख मनाना, तो ग्रीव टू नो एंड मीन्स उसको बहुत ज़्यादा दुख हुआ और उसके फलस्वरूप ही कमिटेड सुइसाइड, और उसने सुसाइड कर लिया। तो मैं आपको ये चाह रहा था कि आप ऐसे ढेर सारे सेंटेंस बनाओ, यहाँ पर टाइम खराब करने के बजाय, ये लोग मेरे को कहते भी हैं दूसरे, यहाँ तो आपका दो एग्जांपल देख के पूरा चैप्टर ख़त्म करा देते हैं, मैं बहुत सारे एग्जांपल देता हूँ, उसके पीछे कारण ये होता है कि कुछ बच्चे खुद बनाए फिर उसको और अपना बोलें, बोलते रहोगे तो आपको समझ आ जाएगा। अब मैं एक सेंटेंस आपको दे रहा हूँ, शुरुआत दे रहा हूँ, बाकी आप पूरा करना आपका। Deceived again and again, again and again by his own friends. चलो अब आगे पूरा करना आपने, क्या पूरा करोगे? He lost faith in friendship. तो अपने ही दोस्तों से बार बार धोखा खाकर उसको दोस्ती में ही उसका विश्वास खत्म हो गया आपका। चलो मैं लिख ही देता हूँ, ये लास्ट संडे सास का, फिर मैं आपको परफेक्ट पॉसिबल कराऊंगा और एक लिस्ट डाल दूंगा अगर आप कहोगे, और बाद में इसके ऊपर एक टेस्ट भी लेना है, तो देखते हैं कैसे करते हैं आपका। एनीवे मैं प्रॉमिस कर दूँ, नहीं कर पाऊँ तो फिर बुरा लगता है। डिसीव, ये सेंटेंस में आ गया नहीं आपको, अपने ही दोस्तों से बार बार धोखा खाकर, डिसीव्ड अगेन एंड अगेन बाय हिज ओन फ्रेंड्स, ही लॉस्ट फेथ किसमें, इन फ्रेंडशिप। कितनी सुंदर इंग्लिश लगती है, देखो आप जो ऐसे सेंटेंस आप बनाते हो, ठीक है, अपने दोस्तों से बार बार धोखा खाकर उसको दोस्ती में ही उसका विश्वास उड़ गया। इफ़ यू लूज फेथ, आपका उसमें उस चीज़ में से विश्वास उड़ जाता है। एनीवे तो आप खूब सारे बनाओ, मैं आपको ये दे रहा हूँ आइडिया, और अदरवाइज आज का जो अपना वीडियो है उसका मकसद था आपको परफेक्ट पार्सिपल पढ़ाना, ठीक है। आज इसकी पढ़ाई करेंगे, मैंने आपको ऐसे हिंट दिया, आपको पहले बताया ये क्या होता है, ये हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में और परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या फ़र्क है, ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ, वैसे ध्यान रखना आपका। तो सारी वीडियोस को आप दो दो तीन तीन बार देखा करें, सेंटेंसेस को बोलिए, इंग्लिश आपके जबान पर चढ़ेगी, तब आपको एग्जाम में काम आएगी, याद रखना आपका, ठीक है। ये हल्के फुल्के ग्रामर के रूल पढ़कर आप एग्जाम कोई भी ढंग का पास नहीं कर सकते, ध्यान रखना। प्रेजेंट पार्टिसिपल में सेंटेंस प्रेजेंट पार्टिसिपल शुरू होता है ना आपका, बीच में भी आ सकता है, वैसे कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, लेकिन उसमें दोनों एक्शन साइमल्टेनियसली होते हैं आपके। जैसे मैंने कहा लुकिंग एट हिज कंडीशन, तो मैंने उसकी कंडीशन देखी, ठीक है, एंड आई टुक हिम होम, मैंने घर लिया है, छोटे बच्चे की मैं नाल देखी, बहुत बुरी हालत है, आई टुक हिम होम। तो ये दोनों एक्शन साथ में हो रहे हैं, मैंने उसकी कंडीशन देखी, घर लिया है, ज्यादा सोचा नहीं, ऐसा मतलब थोड़ी है
कि मैंने उसकी कंडीशन आज देखी है, 10 दिन बाद में घर में लेके आया। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल शुरू हो रहा है, संबंध वो का वो है, लुकिंग जिसने कंडीशन देखी वो आई है, ठीक है ना आपका। इस मामले में तो तीनों के तीनों जो आपके पार्टिसिपल्स हैं, प्रेजेंट पास्ट और परफेक्ट, इन तीनों का एक ही जैसा काम है। तो उसका संबंध, चाहे वो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो, पास्ट पार्टिसिपल हो या परफेक्ट पार्टिसिपल हो, उसका संबंध आगे वाले क्लॉज, दिस इज द क्लॉज, एक्चुअली मेन सेंटेंस है, ऊपर पहले वाला पार्टिसिपल फ्रेज है, उसके सब्जेक्ट के साथ में उसका रिलेशनशिप होना चाहिए, ठीक है। नाउ परफेक्ट पार्टिसिपल में और इसमें क्या फर्क है, ठीक है। अगर मैं आपको कहूं कि हैविंग एसेस द सिचुएशन, इसका मीनिंग क्या हो गया कि उसने सिचुएशन का मूल्यांकन किया, ठीक है, एंड फिर उसने क्या डिसाइड किया, ही डिसाइडेड टू कीप मम। समझो दो दोस्त लड़ रहे थे, एक तो अच्छा हुई कि एक दोस्त थोड़ा नज़दीक था, दूसरा हालांकि दोनों दोस्त थे, लेकिन उसने सिचुएशन को भांपा, सिचुएशन का मूल्यांकन किया और फिर उसने डिसाइड किया कि वो मुंह बंद रखेगा। अब इसमें जो दो एक्शन है, एक सिचुएशन को एसेस करना और दूसरा एक्शन है चुप रहने का फैसला करना। अब ये देखो सिचुएशन क्या है, क्या संबंध बना दोनों के अंदर, तो इसमें जो आपका आपने जो डिसाइड किया है मुंह बंद रखने का, मम का अर्थ होता है एकदम मुंह पे उंगली, मम, कीप मम इन द क्लास, चुप, साइलेंस, ठीक है। तो वो आप डिसाइड तब करोगे जो सिचुएशन का असेसमेंट, सिचुएशन का मूल्यांकन पूरा हो जाएगा, ये इसमें मेन चीज है। अब आपके इसमें आ गया कि नहीं आया, परफेक्ट पार्टिसिपल में जो एक्शन है वो खत्म होने के बाद ही आगे वाले क्लॉज का एक्शन शुरू होगा, उससे पहले नहीं, ये भी समझ आ गया। और प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या था, दोनों एक्शन साथ में हो रहे हैं, ठीक है। सिटिंग ऑन द सोफा, ही वॉज स्टंग बाय अ स्कॉर्पियन, ये दोनों साथ में हुए हैं, अलग अलग कैसे हो सकते हैं। एक आदमी सोफे में बैठा हुआ था, सिटिंग ऑन द सोफा, और ही वॉज स्टंग बाय अ स्कॉर्पियन, और उसी समय एक बिच्छू ने उसको डस लिया। स्टिंग का थर्ड फॉर्म है, स्टिंग, स्टंग, स्टंग, ठीक है। अब ये जो सोफे में बैठा हुआ था, बिच्छू का डंग मारना, दोनों साथ में है या नहीं, साथ में भाई, ये थोड़ी आज सोफे में बैठा हुआ था, 10 दिन बाद में उसने बिच्छू ने उसको डंग मारा। तो ये दोनों का फर्क बता रहा हूँ आपको, ठीक है। सिटिंग का संबंध किससे है, ही से। सोफे में कौन बैठा हुआ था, लड़का बैठा हुआ था, उसको बिच्छू ने डस लिया। अच्छा, ये हैविंग एसेस द सिचुएशन, ऐसा ना किसी शब्द में आपको दिक्कत हो समझने में, एसेस करने का तो होता है किसी चीज़ का मूल्यांकन करना, इवेल्युएट करना। आप इसमें चाहो तो ये वर्ड भी लगा सकते हो, इवेल्युएटेड, क्या दिक्कत है। इसका अर्थ हो जाएगा कि सिचुएशन का मूल्यांकन करने के बाद में उसने ये निर्णय लिया कि उसने अपना मुंह बंद रखना है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। तो बेसिक चीज़ तो बच्चों ये है, और बाकी तो आपने खूब सारे सेंटेंस बनाने हैं और उनको बोलना है। हाँ, थोड़ा सा ये भी है, ये आपने समझना है कि ये भी दो सेंटेंस से बना हुआ है। मैं इसको एक बार नीचे लेके आता हूँ, इसको देखिए, आप कॉपी कर रहा हूँ बच्चों, ध्यान रखना। ये सेंटेंस एक्चुअली ऐसा था, ही एसेस द सिचुएशन, ठीक है, और दूसरा सेंटेंस था ही डिसाइडेड टू कीप मम। समझ आ रहे हैं आपके। तो इन दो सेंटेंस को आप जोड़ोगे तो, अगर इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल जोड़ोगे तो ये गलत हो जाएगा। अगर आपने इसको ऐसे कहा कि एसेसिंग द सिचुएशन, क्या ना आपका, ही डिसाइडेड, ये गलत हो गया, ये बच्चों गलत हो गया। बाकी सेम, टू कीप इस माउथ शट, टू कीप मम, क्योंकि जब तक सिचुएशन का मूल्यांकन नहीं हो, ये बहुत से सुनना, ये तो आपके एग्जाम में आएंगी, फिर आपको पता लगेगा कि कहाँ पर गलती है और क्या गलत भी है या नहीं है। कॉमन सेंस की बात है, जब तक सिचुएशन का मूल्यांकन आप नहीं कर देते तो डिसीजन कैसे लोगे आप, मुझे बताना आप, नहीं समझे आपका। अगर ऐसा है कि पहला एक्शन पूरा होने के बाद में दूसरा एक्शन हो सकता हो, तो सेंटेंस को आपने परफेक्ट पार्टिसिपल से शुरू करना है। ये आपके बात समझ आ गई नहीं आ गई, अगर आप ये सेंटेंस बनाओगे दिस सेंटेंस विल बी रॉन्ग। आपको बोलना पड़ेगा, हैविंग एसेस द सिचुएशन ही डिसाइडेड टू कीप हिज माउथ शट और टू कीप मम, एक ही बात है। आई होप इट इज क्लियर।
ठीक है, तो ये दो एक्चुअली मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, एक्चुअली दो सेंटेंस है ये, ये मेन काम तो इसका यही है। और फायदा क्या हुआ, दो सेंटेंस को जोड़ने के बाद में भी सेंटेंस सिंपल है। ये जो सेंटेंस है हैविंग असेस्ड द सिचुएशन, ये सेंटेंस सिंपल है, इसमें एक ही फिनाइट वर्ब है, याद रखना आपका। और फिनाइट नॉन फिनाइट मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, ध्यान रखना आपका, ठीक है। हैविंग की बात है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही ना आपका, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है लेकिन ये एडजेक्टिव है, ध्यान रखना आपका, ठीक है ना आपका। ये वर्ब नहीं है, एसेस वर्ब तब होगा जब उसके आगे हेल्पिंग वर्ब होगी, और ये एसेस्ड सेकंड फॉर्म है, एसेस आपके रेगुलर वर्ब है, एसेस एसेस एसेस्ड। अगर मैं किसी को पूछूं कि किसी के लिए कहूं आपको कि ही हैज एसेस्ड द सिचुएशन, क्योंकि इसका प्रयोग कि उसे सिचुएशन का मूल्यांकन कर लिया है। तो आई होप कि मैं आपको ये बताने में सफल रहा हूँ, और इसलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कई लोग पढ़ाते नहीं हैं, ढंग से नहीं पढ़ाते हैं, गलती पे गलती किए जाते हैं, उदाहरण भी मैंने आपको दिए हैं, ठीक है। अब मैं बार बार उसको नहीं कहूँगा, मुझे अच्छा लगता किसी की बुराई करना, लेकिन मुझे बड़ा अजीब लगता है। ठीक है यार, मैं साधारण सा आदमी हूँ, गरीब आदमी, ठीक है, आपका दो चार व्यूज मिल जाते हैं, मैं अपना काम किया जा रहा हूँ, मुझे उसका मतलब नहीं है, लेकिन मुझे हैरानी होती है कि इतना अजीब तरह से पढ़ा रहे हैं यार, तभी उनके लाखों व्यूज हैं, कमाली हो गया है तो आप ये बच्चे कैसे धोखा खा रहे हैं आप। पिछले वीडियो में देखा होगा शायद आप लोगों ने, नहीं देखा तो पिछला वीडियो देखना, उसमें पता लगेगा आपको, बार बार मैं उसका जिक्र नहीं करूँगा। कितना गंदा लग रहा है बींग स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, माई गॉड, ओ गॉड, ये कैसे कोई टीचर लिख सकता है। आपके हजम हुआ गया ये सेंटेंस, और उसमें मैं तो भूल गया क्या था वो, परफेक्ट पार्टिसिपल का पैसिव फॉर्म बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो भी उसका उदाहरण देता हूँ आपको। तो कॉमन सेंस की बात है, चाहे वो आपका वर्ब हो या पार्टिसिपल हो, उसका जो ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, तो वो फिर उससे पहले आएगा। कॉमन सेंस की बातें बताता हूँ आपको, उसी का एक उदाहरण भी देता हूँ आपको। नाउ सिचुएशन ये है बच्चों, मैं अगर एक दो सेंटेंस दूं आपको, द रिजल्ट्स वर अनाउंस्ड, और दूसरा सेंटेंस द स्टूडेंट्स वेंट होम, तो पहले मुझे ये बताओ ये प्रेजेंट पार्टिसिपल जुड़ेंगे या परफेक्ट पार्टिसिपल से। ऐसे कहूं आपको अनाउंसिंग द रिजल्ट्स द स्टूडेंट वेंट होम, और अगर ऐसे लिख दो तो क्या फर्क पड़ेगा, बिल्कुल गलत सेंटेंस है, दो कारणों से। पहला, अनाउंसिंग का संबंध, अनाउंस का घोषणा करना का संबंध स्टूडेंट से नहीं हो सकता, अगर होगा तो इसका अर्थ हो गया कि स्टूडेंट्स ने अनाउंस किया, एरो अनाउंस करते करते घर चले गए, कमाल हो गया। घर जाने का काम तब तक नहीं होगा जब रिजल्ट अनाउंस करने का काम समाप्त नहीं हो जाएगा, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। लेकिन चक्कर यह है, ध्यान से सुनना, मैंने आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल में सेम सिचुएशन बताई थी, इन दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट अलग अलग है, पहले सेंटेंस सब्जेक्ट आपका द रिजल्ट्स है, और दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट आपका द स्टूडेंट्स है, आर यू गेटिंग पॉइंट। और आपको मैंने क्या कहा था प्रेजेंट पार्टिसिपल केस में, पुराने वीडियो देखना मेरे सारे, ठीक है। तो ऐसे में जो आपका परफेक्ट पार्टिसिपल है उसको आप एब्सोल्यूट फ्रेज बना दो। नाउ एब्सोल्यूट फ्रेज बनाने का अर्थ क्या होता है बच्चों, मुझे ये समझाओ। एब्सोल्यूट फ्रेज का अर्थ है कि आपने उसको, ठीक है ना, एक अलग से सब्जेक्ट दे देना है तो काम खत्म, लेकिन सब्जेक्ट आपको पता ही नहीं है, ये तो रिजल्ट अनाउंस हुए हैं, अनाउंस किए किसने ये तो पता ही नहीं है, तो इसका भी एक आपका सॉल्यूशन है। क्या सॉल्यूशन है, अगर आपको डूअर नहीं पता होता है किसी सेंटेंस में, तो सेंटेंस को आप पैसिव फॉर्म में बोल दो। मैं जो कह रहा हूँ समझ आ रहा है आपको, सपोज करो कि एक आदमी मर्डर हुआ, आपको पता है नहीं किसका मर्डर कैसे हुआ, किसने किया पता नहीं आपको, तो बोलो ही वॉज मर्डर पैसिव फॉर्म में। अगर आपको डूअर पता हो, समझो कि आप एक लड़के का नाम है, ठीक है ना, आपका रोशन, रोशन ने उसको मर्डर किया, तो मैं कहूँगा रोशन मर्डर्ड हिम, पता है ना आपको नाम, तो बोल दो रोशन मर्डर्ड राज,
लेकिन अगर राज का मर्डर हुआ है और डूअर नहीं पता है कि आपका मर्डर है कौन, तो पैसिव फॉर्म बोल दो राज वाज मर्डर। मेरी बात समझ आई या नहीं आई आपके? असली मुद्दे तो ये है, ये प्रैक्टिकल वे है इंग्लिश को सीखने का। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ बच्चों कि रिजल्ट किसने अनाउंस किया है वो पता नहीं है आपको, डूअर नहीं पता है, रिजल्ट अनाउंस करने वाला डूअर आपको नहीं पता है। तो इस समस्या से बचने के लिए क्या करोगे, पैसे में बना दो परफेक्ट प्रैक्टिकल के साथ में। अब एक चीज सुनो इसको गौर से, हैविंग डन का जो एक्टिव फॉर्म है ना, इसका पैसिव फॉर्म होता है, पैसिव इसका बनता है हैविंग बीन डन, ये इसका पैसिव फॉर्म है। अब हैविंग बीन डन क्या किया, हैविंग डन क्या किया उसने, रिजल्ट किया ना, रिजल्ट को पहले लिख दो। तो कैसे लिखोगे, द रिजल्ट, ये हो गया एब्सोल्यूट फ्रेज, हैविंग बीन अनाउंस्ड, द रिजल्ट हैविंग बीन अनाउंस्ड द स्टूडेंट्स वेंट होम। अब आपको इस समय आ गया कि नहीं है, पहले मुझे ये बताओ। अब आपको जरूरत ही नहीं है कि ये पता करने की रिजल्ट किसने अनाउंस किया, किसने किया हो, रजिस्ट्रार ने किया हो, प्रिंसिपल ने किया हो, स्कूल कॉलेज के हेड क्लर्क ने किया हो, किसी ने भी किया हो, आपको जरूरत नहीं है। आपने कहा रिजल्ट अनाउंस होने के बाद में स्टूडेंट्स घर चले गए। अब ये जो एक्शन हुआ है रिजल्ट अनाउंस करने का, इसके बाद ही स्टूडेंट्स के घर जाने का एक्शन होगा, ठीक है। अब इसका संबंध, रिजल्ट का संबंध आगे वाले क्लॉज के नाउन के साथ मिलाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये अपने आप में एक दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट फ्रेज। आप पार्टिसिपल फ्रेज को, चाहे वो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो, पास्ट हो या परफेक्ट हो, उसको अलग सब्जेक्ट दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। आर यू गेटिंग फाइन? आपको ने उदाहरण दिया था, अगर आपको याद हो तो, बींग माई फ्रेंड आई हेल्प हिम, बींग माई फ्रेंड आई हेल्प हिम, ये गलत है। इसका तो अर्थ हो गया कि मैं मेरा दोस्त था, मैं मेरा दोस्त था इसलिए मैंने उसकी मदद कर दी। तो आप ये सेंटेंस गलत है, आप इसको एब्सोल्यूट फ्रेज बना दो। कैसे, इसके आगे ही लगा दो ही बींग माई फ्रेंड, बाकी सेम सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो जब उसको अलग से सब्जेक्ट दे देते हो, फिर इस बींग का संबंध आगे क्लॉज के साथ में आपको जोड़ने की जरूरत नहीं है। तो परफेक्ट पार्टिसिपल में भी ऐसे ही है। आई होप कि आपको ये थोड़ा सा पकड़ में आया। मैं एक आधे एग्जाम्पल आपको और देता हूँ, ठीक है। मैं आपको दो सेंटेंस देता हूँ, इन दोनों को आप मिला के, दोनों को मिलाइए परफेक्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल से, और आप चाहो तो प्रेजेंट पार्टिसिपल लगा सकते हो, सिचुएशन देख लो क्या है। द पेशेंट्स मेडिकल रिपोर्ट्स वर एग्जामिन्ड, है ना, एक सेंटेंस ये है। दूसरा, इट वॉज डिसाइडेड टू ऑपरेट ऑन हिम, और फिर ये डिसीजन लिया गया कि उसके ऊपर उसका ऑपरेशन करना है। जो पहला सेंटेंस है उसका डूअर आपको पता नहीं है, इसका डूअर आपको पता नहीं है, पता है मेडिकल रिपोर्ट किसने एग्जामिन की, पता है कि आपको नहीं पता है ना आपका, तो आप उसको एब्सोल्यूट फ्रेज बना दो। कैसे बनाओगे, ऐसे लिखिए आपका, द पेशेंट्स मेडिकल रिपोर्ट्स हैविंग बीन एग्जामिन्ड। आई होप कि आप समझ पा रहे हो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी सेम, इट वॉज डिसाइडेड सेम टू ऑपरेट ऑन ए, नाउ ये करेक्ट हो गया, ठीक है। आर यू गेटिंग फाइन, ठीक है। तो जैसे आपने कहा था पेशेंट मेडिकल रिपोर्ट, आगे आपको आगे एट के साथ में मिलाने की जरूरत नहीं है ना। सपोज करो सिचुएशन ये होती कि द डॉक्टर एग्जामिन्ड द पेशेंट की जगह, मैं शॉर्ट करता हूँ, प्रोनाउन लिख रहा हूँ, हिज मेडिकल रिपोर्ट्स, ठीक है, और इस डॉक्टर के लिए ही मैं ही लिख रहा हूँ, ये बहुत आसान हो जाता है। एंड ही डिसाइडेड टू ऑपरेट ऑन हिम, ऑपरेट ऑन समबडी का होता है उसका ऑपरेशन करना, है ना आपका। अब इसको एक चीज आपको पूछ रहा हूँ मैं, इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल जोड़ोगे कैसे रहेगा, ऐसे हो जाएगा ये, एग्जामिनिंग हिज मेडिकल रिपोर्ट्स द डॉक्टर डिसाइडेड टू ऑपरेट ऑन हिम। कैसे कह सकते हो आप, कैन यू से दिस,
क्या दोनों का एक्शन साथ में हो सकते हैं? कल्पना करो, पेशेंट इस उस पर लेटा हुआ है एग्जामिनेशन टेबल पे, डॉक्टर के हाथ में मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, वो पढ़ रहा है, पढ़ते पढ़ते कह रहा है लेट मैं तेरे को काटूंगा। ये जो दूसरा एक्शन है ऑपरेट करने का, ये तब तक आप नहीं ले सकते जब तक मेडिकल रिपोर्ट्स की पूरी जांच नहीं हो जाती। इसलिए सेंटेंस गलत हो गया। इसको ठीक कैसे कैसे करोगे? अब इसमें पंगा नहीं है, दोनों का सब्जेक्ट एक ही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि दोनों सब हैविंग एग्जामिंड हिज मेडिकल रिपोर्ट्स, हिज मींस पेशेंट्स, ठीक है, डॉक्टर डिसाइडेड, ओके सेम, अभी करेक्ट हो गया। तो आई होप कि मैं समझा पाया आपको कि हो क्या रहा है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि परफेक्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल आपने तब करना है और तब जब जो आपके दो सेंटेंस हो या दो आपके एक क्लॉज है एक आपका फ्रेज है, उसमें दोनों एक्शन ऐसे हों जिसमें पहला एक्शन खत्म होने के बाद ही दूसरा एक्शन शुरू होता हो, काम खत्म हो गया, ठीक है। जैसे कुछ रॉबर्स ने बैंक लूटा, ठीक है, और फिर उन्होंने जो लूट का माल आपस में बांट लिया। तो अगर आपने ऐसे लिखा कि लूटिंग द बैंक दे, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड द लूट, ठीक है, लूट मीन्स लूटा हुआ माल, ठीक है, अमंग themselves, तो लूटते लूटते कैसे मान सकते हो आप? दे मीन्स decoys, ये कैसे करोगे आप? पॉसिबल नहीं है, हो सकता है क्या? जब लूट का काम पूरा खत्म हो जाएगा, लूट का माल लेके कहीं भाग जाओगे तो उसके बाद ही तो डिस्ट करोगे आपका, तो इसलिए ये सेंटेंस आपका गलत हो गया, दिस सेंटेंस इज रॉन्ग। और ये कह सकते हो आप करेक्ट करके कि हैविंग लूटेड द बैंक, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और बाकी सेम, दे डिस्ट्रीब्यूटेड द लूट अमंग themselves, अभी करेक्ट हो गया। द लूट का तो होता है लूटा हुआ माल, द लूट मीन्स द थिंग्स लूटेड, या उसको अपन बूटी भी कहते हैं, द बूटी, ठीक है, बूटी। तो आई होप कि मैं आपको समझा पाया हूँ ये, ठीक है, इट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। और अगर आपका पार्टिसिपल का जो सब्जेक्ट है और आगे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, दोनों अलग हैं, तो पार्टिसिपल फ्रेज को एब्सोल्यूट फ्रेज बना दो, एब्सोल्यूट फ्रेज का तो होता है उसको सब्जेक्ट दे दो। और अगर पॉसिबल है नहीं आपको देना कि है नहीं, पता नहीं है कौन आपका, तो फिर उसको आप पैसिव फॉर्म में लिख दो। अगर मैं ऐसे ऐसे लिखूं आपको, हैविंग लूटेड द बैंक, थोड़ा चेंज कर रहा हूं इसको, ठीक है, द पुलिस वॉज इन्फॉर्म्ड बाय द बैंक। अब हैविंग लूटेड द बैंक का जो काम है वो पुलिस ने तो नहीं किया, फिर सेंटेंस गलत हो गया। लेकिन इसमें ये भी और भी प्रॉब्लम है कि हमें पता ही नहीं है कि बैंक को किसने लूटा। अब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ऐसे में सेंटेंस को आप पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, पार्टिसिपल फ्रेज को, हैविंग लूटेड द बैंक, हैविंग लूटेड जो पार्टिसिपल फ्रेज है परफेक्ट पार्टिसिपल, उसको ऑब्जेक्ट द बैंक है, तो बैंक को पहन लिया हो, आगे लगा तो हैविंग बीन लूटेड हो गया, द बैंक हैविंग बीन लूटेड कॉमा द पुलिस वॉज इन्फॉर्म, अभी बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो आई होप कि मैं आपको ये समझा पाया हूँ बच्चों, ठीक है। हाँ, थोड़ी समस्या आ रही, लाइट भी गई, नेट भी नहीं चल रहा, तो मैंने कहा इसको मैं वो कर देता हूँ, जैसे नेट चालू होगा उसके बाद मैं अपलोड कर दूँगा, आज नहीं हुआ तो मैं कल आपको अपलोड कर दूँगा इसको, ऐसे मैं झग रहा हूँ। और अगर नेट चालू हुआ, पता नहीं आज क्या प्रॉब्लम है, लाइट भी, कभी लाइट जा रही है, कभी लाइट आ रही है, लाइट नहीं आती है तो फिर नेट भी नहीं आता है, नेट तो लाइट तो अभी अभी आ गई, ठीक है, लेकिन नेट अभी बंद है, थोड़ी देर में क्या पता नेट चालू हो जाए। आई होप कि बच्चों मैं समझा पाया उसको, इन सारी चीज़ें बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। तो अभी जो आपके मेरे ख्याल से नॉन फाइनाइट वर्ब का बचा हुआ है वो आपका टू इन्फिनिटिव का है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव का, तो ये मैं कल शुरू करूँगा, कल आपको समझाऊँगा इसके बारे में,
ठीक है, तो आप इसको देखिए एक बार दो बार डाउनलोड करो, उसके बाद देखते रहो इसको। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखने को मिल रहे हैं आपको, लेकिन मुझे नहीं पता आप उसका फ़ायदा भी उठा पाओगे या नहीं उठा पाओगे। ठीक है, बहुत ही मुस्तैदी के साथ में और बहुत ही सिंसियरली इनको देखना होता है, पेन पेपर लेके बैठना पड़ता है, पॉइंट्स को नोट करना पड़ता है। ठीक है, ऐसे नहीं काम चलता है। ठीक है, तो मेरे को उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा, और कल मैं इसका दूसरा पार्ट आपको अगला पार्ट डालूँगा, और कुछ और भी मैं प्लान कर रहा हूँ। बस ईश्वर से प्रार्थना है कि मैं स्वस्थ रहूँ, अभी भी वीकनेस फील हो रही है तो थोड़ा धीरे धीरे अभी फिर मैं आपको और तेज़ी पकड़ूँगा, दिन में 4-5 वीडियो मैं बनाऊँगा। ठीक है, और मुझे सबका कोर्स भी ख़त्म करना है। ठीक है, लेकिन कोर्स ख़त्म करने के चक्कर में मैं शॉर्टकट नहीं मारता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ें छोड़ दूँ, ऐसे कैसे होगा, ये तो पढ़ना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बच्चों, अगर ये वीडियो पसंद आया तो भैया थोड़ा सा शेयर वेयर कर लेना, ठीक है ना, आपका लाइक वगैरह कर देना। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आजकल क्या मैंने ये बोलना भी छोड़ दिया, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, बाकी ऊपर वाले जाने। ठीक है, मैं ठहरा गरीब आदमी, छोटा सा आदमी जिसके व्यूज़ होते हैं 80, 90, 100, इससे ज़्यादा नहीं होते हैं। और दुनिया में तो भैया एक वीडियो डाला उन्होंने और 1,00,000 व्यूज़ आते हैं। कैसे आते हैं मेरी आज तक समझ आए नहीं, मेरे बस के नहीं है। तो चलो कोई बात नहीं, आप उसको उससे आप चिंतित मत हो, मैं अपनी ड्यूटी करता रहूँगा, व्यूज़ आए चाहे ना आए। ठीक है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। आए तो ठीक, वेलकम, नहीं आए तो भगवान भला करे सबका। ओके देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।